तो गाइस ये है वो हमारा गिफ्ट जो हमें कंपनी की तरफ से मिला था, वहाँ आपको दिखाते हैं। दिवाली का गिफ्ट है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आइए बच्चे होंगे गाइस, आज कहीं बाहर जा नहीं पाए तो आज घर में ब्लॉग शूट करते हैं। तो देखते हैं नीतू क्या कर रही हैं। ओ नो, क्या कर रही है यार ये? बड़ी खा क्या बना रही हो ये सब ऐसा यार? तुम तो बड़ा धता फैला रही हो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं बना रही चने का साग और मैंने तड़का। चने का साग? अरे नहीं यार, क्या बात है, आज तो फिर मजा आएगा। चावल बनेंगे फिर तो? आज मैं चावल बना चुकी हूँ। साग और चावल मजा आएगा फिर तो मुझे यार। आटा मल के रख लिया है, बस रोटी सेक ली। तो गाइस देखते हैं साग, देखते नहीं तो कैसा बनता है आज। और देखिए साग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखने का थोड़ा पतला नहीं लग रहा यार तुम्हें ये? अभी ठीक होगा ना? अभी ठीक है, देखो कितना ठीक है, अभी ठीक है, अभी तो थोड़ा होगा, अभी गाढ़ा होगा। तो गाइस आज नीतू ने फर्स्ट टाइम साग बनाया है। मैंने फर्स्ट टाइम साग चने का साग चने का साग मैंने फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। आई थिंक चने का साग घर पे भी कभी शायद नहीं बना। तो नीतू कल क्या रहते हो तो घर पे बना भी होगा तू? हाँ ये भी थोड़ा घर पे मैं रहता हूँ, पहले रहता था नहीं आता, पहले घर पे कहाँ बनता था, बाकी सरसों वरसों का तो बन जाता है। तो अभी नहीं तो तुमने थोड़ा कैसे बनाया थोड़ा मुझे बताओ इसके बारे में। आप लेट हो गए। लेट हो गए, ओके। इसके साथ क्या बनाओगे? अभी रोटी बनाओगी, चावल की रोटी बनाओगी? नहीं चावल की रोटी का बनानी, चावल की रोटी बनाओ। क्योंकि ये देखो मैंने आटा मल के रख लिया। आटा ये मल लिया, ये तूने अभी रेडी कर लिया सारा एकदम ए टू जेड। चने के साथ कैसे बनाया? हाँ काटा था। अच्छा पूछते नीतू से एक बार, बताओ नीतू कैसे बनाया चने का साग आपने? धुल के अच्छे से काटा था, ठीक है, साफ करने के बाद में कढ़ाई में मैंने पानी रखा था, उसके बाद मैंने साग डाल दिया, उसमें डाल दिए थे चावल, कच्चे चावल डाल दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में पानी भी लगाया था। अच्छा, जब बन गया था अच्छे से पक गया था साग। मिक्सी भी मैंने एक बार चला मिक्सी का यूज किया तुमने? ओके, क्योंकि हमारे पास घुटना वगैरह नहीं है ना, घुटना तो इसके लिए पीस लिया था। ऐसे घुटने में अच्छा होता है, घुटने में ना कूट कूट के घोटते ना वो देसी एकदम लुक आता है, बढ़िया। तो फिर हमने मिक्सी का यूज किया इसमें, तो मैंने मिक्सी से पीस लिया। फिर उसके बाद में मैंने तड़का लगाया है। तो और जब हम साग बनने के लिए रखा था मैंने, तो उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का यूज किया था, वो इसमें डाल दी थी। लाल मिर्च नहीं डाली ना? नहीं पड़ी, लाल मिर्च में खाता नहीं हम लोग, खाते नहीं लाल मिर्च का यूज नहीं करता मैं तो बहुत टाइम से, क्या मतलब जब से यहाँ रहता हूँ बाहर तब से लाल मिर्च का यूज नहीं करता मैं। तो बस ऐसे बनने के लिए रख दिया, बाद में मैंने साग को पीस लिया और अभी तड़का लगा दिया लहसुन। अभी देखते हैं नीतू का साग कैसा बनता है। लाल मिर्च बन चुका है वैसे, अभी रोटी बनानी है इनको। मैं चावल बनाई आपको सर्व करूंगी, अब खाना ठीक है? अच्छा नहीं चावल बनाए? हाँ चावल मेरे बन गए और ये रखे मशरूम, इनके लिए सुबह बनाऊंगी मैं। अरे मशरूम मशरूम की रेसिपी बनेगी। अच्छा क्या बात है वो यार, ये कौन सा साग है? ये क्या है? ये मेथी मेथी इस मेथी का बचा हुआ है। मुझे कहाँ से? तुमने दस रुपये के नाम तड़का ऐसे लगाया? ठीक है मैं रोटी सेक लूँ, आप जाओ जाके बैठो। अच्छा जी चलो गाइस देखते हैं अभी इनका साग बनता है, टेस्ट करेंगे कैसा साग बनता है। बहुत तड़का ऐसा लगा है, बहुत धसा फैल रहा है गाइस, मैं तो परेशान हो गया। गाइस अभी नीतू ने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी, ऑलमोस्ट काफ़ी बना भी दी है वैसे, है ना, काफ़ी रोटी बन भी गई हैं। तो देखिए नीतू रोटी बना रही है आज, साग चने के साग के साथ खाएंगे, है ना, चने का साग, चावल और रोटी, गेहूँ की रोटी। वैसे इसमें ना चावल की रोटी या मक्की की रोटी होती है ना, तो अलग ही मज़ा आता। तुमने बनाई कभी मक्की रोटी? तुम नहीं बनाएंगे तुम्हें बनाने में दिक्कत? कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ पहली बार करती हूँ तो मैंने भी दिक्कत होती। चलो कोई नहीं, गेहूँ की काफ़ी है। अरे तो कितना कुछ फर्स्ट टाइम बनाया है? हाँ फर्स्ट टाइम लगा, इंसान तो पहली बार ही बनाता है कई बार चीजें, मतलब इससे पहले शादी, कुछ लोगों तो शादी से पहले भी कर लेते हैं ना। हाँ तो कोई नहीं, तुमने तो गेहूँ की बनाई काफ़ी है, इतना काफ़ी है हमारे लिए, साग से खाएंगे गेहूँ की रोटी। आज नीतू ने रोटी बनाई, देखी गाइस रोटी फूल रही है ये जबरदस्त तरीके से। चलो आया ज़्यादा बनाना यार, एक रोटी चावल भी है तो दो लोग तो हैं खाने के लिए, फिर खाली बेकार होने क्या फायदा है ना। आप खाओगे? आप खाओगे तो उन्होंने खा लिया है खाना। नहीं मैं आपको भी शेयर करूँगी अभी खाना। तो गाइस अभी थोड़ी देर में रोटी बनने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, तो उसके बाद मिलते हैं हम। अभी चावल बना लिया ऑलरेडी, जाना मत आप लोग, खाना तड़का लगा दिया ना साग में, खाना खा के जाना ठीक है? तड़का लगा दिया ऑलरेडी, खाना खा के जाना। गाइस देखिए नीतू बोल रही खाना खा के जाना, वीडियो में दिखा देते तो खाना खा लेंगे वो, आप इनवाइट करो ना उनको यार।
घर पे आएंगे तो गाइस हम आपको इनवाइट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। जब हमारे हमारा चैनल मोइडा हो जाएगा ना तो हम एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे, सारे सब्सक्राइबर को हम एक बार इनवाइट करेंगे और पोस्ट करेंगे। काफ़ी मैक्सिमम लोग यहाँ पे आए हमारे साथ डिनर करें या लंच करें, जो भी उस समय होगा अवेलेबल। तो गाइस अभी हमारा लंच ही होगा, डिनर का होगा, कोई नहीं आता है रात को ना। जहाँ वैसे घर पे होंगे तो घर पे करेंगे, नहीं यहाँ होंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। नहीं करेंगे तो घर पे ही, अकेले तो नहीं अच्छा लगता, फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है ना। हाँ तो अभी गाइस रोटी ऑलमोस्ट बन गई है, चलो ठीक है आप जाओ, मैं अभी यार खाना, अभी खाना बन गया है ऑलमोस्ट, तो अभी देखते हैं सर्व करेंगे खाना, फिर दिखाते हैं आपको खाना खाते हैं कैसे लगता है साग, खास चने का साग हाथ से पहली बार चने का साग खाएंगे, तो गाइस नीतू अभी खाना लेके आ रही फटाफट, हम मैं रेडी हूँ खाना खाने के लिए, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है नीतू खाना लाने में। नीतू कितना टाइम लगेगा अभी? तो गाइस काफ़ी बड़े ग्लास में पानी लेके आई नीतू, पानी तो आ चुका है अब, रोटियाँ भी आ गई हैं, देसी घी लगा दिया है नीतू ने रोटियों पे, तो साग भी आ गया है, रोटियां देखते कैसी भाई, रोटियां देसी घी लगा दिया है रोटियों में ज़बरदस्त तरीके से, और देखते हैं गाइस सभी। तो गाइस कटोरी में चने का साग आ गया है और रोटी भी देसी घी की रोटी, देसी घी चुपड़ी रोटी। तो खा के बताओ कैसा है, टेस्ट करते हैं गाइस, बहुत ही लाजवाब साग लग रहा है देखने में, तो देखते हैं खाने के बाद कैसे लगता है। झूठी तारीफ मत करना, सही बताना। साग तो बढ़िया है यार, अभी झूठ तो नहीं बोल रहे हो, एक थोड़ी मिर्च सी लग रही है इसमें यार, देखो जो भी है सच सच बता दिया है, साग बढ़िया लगा है मिर्ची ज़्यादा लग रही है और मैं इनके लिए हरी मिर्च ऑलरेडी ला चुकी हूँ, तो कोई आदमी हरी मिर्च मत खाना, वैसे बढ़िया थोड़ा तीखी है, तीखा है ना, तीखा है ना, तीखा है तीखी चीज़ में थोड़े कम पसंद करते हूँ, लेकिन आप बात नहीं, आप तीखा कम पसंद करते हो ना, फर्स्ट टाइम बनाया काफ़ी अच्छा है, अच्छी कोशिश की आपने, थोड़ा सा बस मसाले का सुधार वो दिक्कत नहीं है, क्या बोलते अच्छा लगेगा चाहे वो। तो गाइस खाना कंप्लीट हो गया, चने का साग खाया आज नीतू के हाथ का, काफ़ी अच्छा लगा, बस थोड़ा थोड़ा हल्का सा कड़वा सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने बाद में नमक डाल दिया था तो बेटर हो गया था वो, कि तीखा लग थोड़ा तीखा टाइप का था, मतलब वही कड़वा लग रहा था, तो थोड़ा नमक डाल दिया तो ठीक हो गया था। तो गाइस आप टेस्ट नहीं पता कैसा क्या लगता है यार, मैं ज़्यादा टेस्ट देखता नहीं खाने में, टेस्ट नहीं देखता मैं ज़्यादा खाने में, बस मेरा तो बस हमारा खाना हो चुका है और अब हम आपको दिखाएंगे इनको गिफ्ट में मिला था, क्या मिला था आपको गाइस गिफ्ट में, मुझे भी गिफ्ट मिला था एक दिवाली पे कंपनी की तरफ से, जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं आज हम, तो आपको दिखाएंगे वो गिफ्ट, उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो जिसने चने का साग खाया है कमेंट में ज़रूर बताएं हमारे लिए, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम ही खाया, तो अपना अपना व्यूज़ बताएं, व्यू बताएं क्या क्या आपका फीडबैक रहा है चने का साग खाने के बाद में। तो हम आपको दिखा रहे हैं अपना कंबल, अपना गिफ्ट दिखाते हैं, गिफ्ट में जो हमें मिला था वो गिफ्ट दिखाते हैं आपको हम। तो गाइस ये वो गिफ्ट है जो हमें कंपनी की तरफ से दिवाली पे मिला है और नीतू इसकी ओपनिंग कर रही हैं, तो गाइस मुझे तो लग रहा है ये शायद चादर टाइप का गिफ्ट है, बट ये कुछ और ये ब्लैंकेट टाइप का लग रहा है मुझे, ब्लैंकेट ही है गाइस ये, बट काफ़ी पतला है, लेकिन आई थिंक ये इसकी क्वालिटी वाइज अच्छा है काफ़ी ये, और गाइस ये डबल बेड का है, ब्लैंकेट है पूरे डबल बेड पे, पूरा एकदम डबल बेड के हिसाब से ही है, डबल बेड के कम ब्लैंकेट है ये, तो कलर भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा गिफ्ट और हमारे ब्लॉग कैसा लगा आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को एक लाइक जरूर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही बनाए रखें। गाइस जो लोग नए आए हमारे चैनल पे, जो नए लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ही मत चले जाना, और तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है, हमें उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करने से
आपका कुछ नहीं आता, कमेंट आप करेंगे तो हमारा रीच बढ़ेगा, आप हमारा सपोर्ट होगा, तो गाइस आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, हमें तो अच्छा लगेगा लगेगा। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।